हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेके आए एक डब के बहुत बड़े नामी जो चैंपियन रहे माशाल्लाह पाकिस्तान में, तो चले मिलवाते हैं उनसे। यूसुफ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ वालेकुम भाई, सलाम कैसे हैं वरहमतुल्लाह। यूसुफ भाई? तो अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है डब के हवाले से, तो माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप डब के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डब का सेटअप लगाया और पाई डब के एतबार से ना, माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 से 200 250 के करीब मेरे पास पेयर हैं। और पाई डब के एतबार से सिल्वर ब्लू वाइट टेल है, रेड वाइट है, डायमंड वाइट के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेयर लगाए। तो माशाल्लाह यूसुफ भाई, आप इतना बड़ा सेटअप लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला इसको और बड़ा करे। तो हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि इसमें कौन कौन से इश्यू हैं जो आप फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अगर हमारे व्यूवर्स को ये चीजें पता चल जाएंगी तो वो डफ लगाएंगे तो उनको फायदा पहुंचेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि इंशाल्लाह डव का सेटअप लगाएं, क्योंकि कराची के मौसम के एतबार से डव जो ना बेहतरीन है और इसमें बीमारियों का इशू भी बहुत कम होता है। सही और बाकी ये जो सर्दी का मौसम आता है उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, और सिर्फ उसकी केयर करनी पड़ती है ना। उसमें हम सॉफ्ट फूड देते हैं, अंडा वगैरह, उसमें खशखाश देते हैं और सही। कावे का भी इस्तेमाल करते हैं जो ना आपके। कावा आप जो है हफ्ते में कितने दिन देते हैं? 2 से 3 दफा हम कावा देते हैं ना अच्छा, हमें। नॉर्मल कावा होता है? हाँ ना, होता है नॉर्मली हम जो जैसे घरों में बनाते हैं, मगर मुख्तलिफ चीजें, सौंफ डाल दी आपने, सही अजवाइन डाल ली और दालचीनी वगैरह, इस तरह जैसा भी नॉर्मल बनाए। तो जी। इस तरह अगर मैं बनाता हूँ, मेरे पास बर्ड ज्यादा है ना, सही तो मैं 5 लीटर के अंदर में डालता हूँ, वो पका पका के तकरीबन 3 लीटर हो जाए, फिर सही बाकी पानी के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ। सही। तो यूसुफ भाई, आप सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं माशाल्लाह, हफ्ते में कितने दिन दे रहे हैं सॉफ्ट फूड? सॉफ्ट फूड भी इस तरह हफ्ते में 3 दफा मैं देता हूँ, सही अंडे और खशखाश को मिक्स सही करके ना। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी के एतबार से जो ना, मैंने इनकी जैसे ट्रे होती है ना, सही। वो वो ट्रे को भी मैंने ना पिलाई वगैरह रखी हुई है, तो तो उस हमने देखा है माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस रहा है और आपने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सेटअप बनाया हुआ ही है और माशाल्लाह बर्ड्स की बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं, ये तो हमने देखा है। तो हम अपने व्यूवर्स को तारीफ करेंगे आपके लिए कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत करी हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ना बर्ड मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ है माशाल्लाह और कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों के यानी फायदा हो जाए मेरी जात से है ना, और दवाइयों के एतबार से और इनके जो ना बर्ड माशाल्लाह बेहतरीन मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, बेहतरीन। अच्छा, एक हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आप कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं इनके लिए? हाँ मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ना हिफाजती तदाबीर ज्यादा बेहतर होती है ना, जिसके अंदर हम सर्दियों के अंदर एतबार से दे रहे हैं ना मेडिसिन, वैसे वो जो ना कोई ऐसी नहीं होती, मगर मैं वीटा फार्म की ट्रिपल सी, वो एक मेडिसिन आती है ट्रिपल सी, ये वो मैं तो रखता हूँ। और वो कितने लीटर पानी में आप उसको यूज करते हैं? वो 1 ग्राम होती है, ग्राम छोटा सा चमचा होता है, सही उसकी एक मिकदार होती है, वो 1 लीटर के अंदर जो ना इस्तेमाल करते हैं। सही सही और जो बर्ड बीमार हैं या ऐसे सुस्त हो रहे हैं, तो जी। उसको मैं कभी कभी उस सब बर्ड को भी जो ना वो दे देता तो हूँ ना। यूसुफ भाई माशाल्लाह, आपका सेटअप तो बहुत जबरदस्त है, अल्लाह इसको और बड़ा करे। तो अब हमारे व्यूवर्स को आप अपना सेटअप विजिट कराएंगे? इंशाल्लाह मैं जरूर आपको, चले, तो यूसुफ भाई दिखाएं हमारे व्यूवर्स को, आपके पास फर्स्ट पेयर कौन सा लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये जितना ये फार्म बना हुआ है, ये रेड पाइट का बना हुआ है ना, है? सही 50 पेयर के करीब है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेड सही। पाइट के ना, उसमें स्प्लिट भी है और रेड टू रेड भी लगे हुए हैं ना। चलें दिखाएं हमारे व्यूवर्स ये को। आप देख लें, इसमें से माशाल्लाह से सबकी प्रोग्रेस देखें आप। ये पहला पेयर है मेरे पास और ये दोनों एक पे बैठी हुई हैं, सही, और ये फीमेल एक पे है और मेल जो ना ऊपर है। ये कौन सा पियर है ये यूसुफ पेयर मेरा स्प्लिट का है, इसके भाई? रेड की फीमेल है और डायमंड पाइट का मेल है ना। सही। और और इसके ये ऊपर ऊपर ये जो पेयर है, इसके मैंने अभी कल परसों ही 2 बच्चे जो ना पोस्ट अपने अलग से जो ना निकाल दिए ना, सेपरेट वो कर दिया? सेपरेट कर दिए, वो सेल्फ हो गए है ना। सही। तो तो ये काय का पियर है? ये भी माशाल्लाह से क्वालिटी आप देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह क्वालिटी तो आपकी नंबर वन है। तो ये पियर आपने? सही से रेड और इसमें डायमंड का स्प्लिट है माशाल्लाह है से। माशाल्लाह। इससे ऊपर यूसुफ भाई? हाँ, ये इनके मैंने 2 बच्चे अभी सेपरेट कर दिए हैं सही और सही। इसने दोबारा एग ले कर दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ना रेड की मेल है, ये मेल है रेड जो अंडों पे बैठा हुआ है ना, सही और वो फीमेल है। आप माशाल्लाह से डायमंड के साथ में जो ना स्प्लिट, क्योंकि इसके बच्चे माशाल्लाह से जो ना मुझे जो मिलते हैं ना, और एक तो स्प्लिट में मिलते हैं और जो सही ना रेड की क्वालिटी भी पूरी हो जाती है ना। सही आप ये पेड़ माशाल्लाह से देख लें आप,
सही, माशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी है यूसुफ भाई। इन्होंने दोनों बच्चे रेड ये दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफा जो ना आप बच्चे की क्वालिटी देखें और कितने माशाल्लाह से हेल्दी हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपके पास रिजल्ट आया हुआ और माशाल्लाह। और ये रेड की क्वालिटी आप चेक करें, बेहतरीन मेल देखें आपने माशाल्लाह से ना, और इसके बच्चों की जो ना साइज देखें। चलिए यूसुफ भाई इसके बाद कौन सा पेयर है? आप ये देख लें, ये पेयर में ये रेड टू रेड लगा हुआ है मेरे पास पेयर है। हाँ, और इसके दो बच्चे हैं भी माशाल्लाह से, ये दोनों देख लें। और ये बेहतरीन मेरा अपना जो ना पेयर है, और मेल भी रेड है फीमेल भी रेड है, और इसके दो बच्चे अभी मैं इंशाल्लाह इनको जो ना सेपरेट करूंगा। और इसको बच्चे अंडे दिए हुए भी जो ना 4-5 दिन हो गए हैं इंशाल्लाह। ये पेयर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी ब्रीड जो ना सबकी आ रही है ना माशाल्लाह जबरदस्त। और ये इनके मैंने दो बच्चे जो ना सेपरेट कर दिए हैं, और अभी दो एक हैं ये इनके जो ना एक बैठी है इस तरह। तो यूसुफ भाई आप माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका डफ के हवाले से, हम देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपका सीजन चल रहा है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर्दियों में डफ ब्रीड नहीं करती, तो माशाल्लाह आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई कहते हैं वो तो सही कह रहे होते हैं, मगर कुछ तदाबीर जो वो अख्तियार करनी पड़ती है ना सर्दी के अखबार से। हाँ, वो सॉफ्ट फूड हो गया, अब इनके ट्रे ठंडे हो जाते थे बच्चे, अभी माशाल्लाह से ये एक्टिव बच्चे हैं ना, तो गिजा के एतबार से मैंने पूरा कवर्ड किया हुआ है ना सर्दी से। अब आप ये मेरा ऊपर है छत के ऊपर सेटअप बना हुआ है, मगर आप देखें कि कितना कवर्ड है। इस वक्त भी टेम्परेचर आप देखेंगे ना तो 25-26 मेरे पास है सर्दी के अंदर। यूसुफ भाई आगे हमारे व्यूवर्स को आ जाए, ये देख लें आप, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ना पेयर मेरा लगा हुआ है रेड और स्प्लिट का ना। इसकी क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस ये अभी फर्स्ट ब्रीड तो है माशाल्लाह से, पहली दफा इन्होंने अंडे दिए हैं ना, और ये बेहतरीन इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा अल्लाह करने चाहता हूँ। और ये मेरा पेयर आप वो देख लें वो उधर माशाल्लाह चिक्स भी आए हैं इसमें दो। हाँ, दो चिक्स भी आए हैं और एक भी इसने जो ना दे दिए, आप देख लें ये माशाल्लाह अच्छी पौरे। हाँ, वो दो बच्चे भी हैं और कितने छोटे हैं, और माशाल्लाह से जो ना एक ले भी कर दिया ना इसने, और ये बेहतरीन पेयर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारे सबकी क्वालिटी के अखबार से। अभी दो छोटे छोटे बच्चे हैं आप देख लें, ये नहीं भी नहीं तो हफ्ते और 10 दिन के होंगे। और ये अभी जो है ना फर्स्ट ब्रीड पे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2-3 दिन के अंदर ब्रीड आ जाएगी। मेरे पास तकरीबन नहीं है तो 50 के करीब है और 40 के करीब मेरे जो ना ब्रीड पे लगे हुए हैं, और जो ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है। तो इसके बाद कौन सा लगा हुआ है हमारे व्यूअर्स को? हाँ, ये आप देख लें इसके अंदर, ये आप ये देखें ये जो है ना ये रेड का स्प्लिट है और रेड की फीमेल है ना, तो ये पेयर भी जबरदस्त। इसने एग लिंग करे हुए? हाँ बिल्कुल, एग लिंग। इससे नीचे? हाँ, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक लिंग मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बच्चे इनके जो ना काफियों के सेपरेट कर दिए, तो ये सेकंड ब्रीड पे आए हुए हैं ना, फर्स्ट इन्होंने कलर जो हाँ कलर कर दिया माशाल्लाह। तो यूसुफ भाई ये कौन सा पेयर है भाई? ये मेरा रेड का पेयर है और फीमेल जो ना वो ये है, ये आप देख सकते हैं ना माशाल्लाह। लोग बोलते हैं यूसुफ भाई, मैंने लोगों को ज्यादातर देखा है कि जी आप छन्नियां लगाए तो अच्छी ब्रीड आएगी, तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, छन्नियां वो असल में गल भी जाती हैं, फिर तो उसकी सफाई करना मुश्किल होता है ना, तो ये पोर्ट में मुझे तो बहुत सुटेबल अच्छा लगता है। तो आपके पास ब्रीड माशाल्लाह हमने देखी है, तमाम जितनी भी ब्रीड आ रही है वो पोर्ट में ही आ रही है, तो इसका क्या राज है यूसुफ भाई? ये हमारे व्यूअर्स को बताएं इसका क्या ये राज है? लगाएगा ना ये उस पर राज खुलेगा इंशाल्लाह ताला है ना, ऐसी बात। चले इससे नीचे, इनके नीचे भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देख रहे हैं ना कितने बच्चे हो गए सेपरेट करने के एतबार से हो गए, मगर मैंने अभी सेपरेट किए नहीं है, अभी इंशाल्लाह
इनको सेपरेट कर दूंगा ये, मगर मैं जब अजमेर लेक कर देती है ना उस टाइम मैं सेपरेट करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दो बच्चे आप देख लें और ये इस तरह है ना। तो ये आप जब अंडे ले करती है मादा दोबारा, तो फिर आप बच्चे सेपरेट करते हो? हाँ, तभी भी मैं एकदम तो मैं नहीं निकालता हूँ, कम से कम हफ्ता एक वो फिर भी जो है ना मैं वो, तो जब वो बच्चे ऐसा होता है ना, ये टेक्निकल तरीका है, क्योंकि जब वो बच्चों को अगर मारना शुरू करे ना तो बच्चे आप फिर हटा दें, उस तरह से वो सेल्फ होते रहते हैं तो वो और बच्चों के लिए फायदा होता है, फिर वो हम हटा देते हैं और फिर दूसरे बच्चे आ जाते हैं, फिर ये अपने काम में लग जाते हैं। इसके अलावा हमारे व्यूअर्स को ये मेरा जो ना डायमंड का पेड़ लगा हुआ है, दरअसल मैंने दो तीन पेड़ मैंने डायमंड के लगाए थे नीचे ना, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो ना ये अंडे और बच्चे बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं ना, माशाल्लाह ये अच्छे प्रोग्रेस दे रहे हैं आपको अल्लाह के। कुछ पेड़ मैंने जो ना इधर अभी आप ये देख लेना, ये मैंने इसमें जो ना कॉमन के भी लगाए हुए है ना, ये मेरे कॉमन के अपने जैसे बच्चे हैं ना घर के, हाँ घर के वो निकले हुए हैं, ये वो हैं जो हम कभी कभी बच्चे जो है ना, जैसे एक रेड साइड का पेड़ अंडे जल्दी दे दिए बच्चे छोटे हैं, वो अंडे हम सेपरेट कर देते हैं ना, वो मजबूरी की सूरत में करते हैं, उसके फिर जो है ना ये 10-12 पेड़ मैंने कॉमन के रखे हुए हैं। तो ये तो भाई इनको आपने खाली कॉलोनी में छोड़ा भाई या इनसे ब्रीड भी ले रहे हैं? हाँ, इनसे ब्रीड में लेता हूँ और उस सूरत में लेता हूँ कि जब ये इनको कोई अगर फोस्टर कोई करना होता है जरूरतन, क्योंकि फिर हमें तो वो एक जो है ना जाया नहीं करने होते, इनके नीचे रख देते ना, तो ये 10-12 पेड़ मेरे पास है, मगर ये जो है ना डायमंड का जो काले कलर का डायमंड होता है ना, उस वो बेहतरीन प्रोग्रेस जो ना पोस्टर के एतबार से वो जो ना वो आपका एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत अच्छा है जो ना डायमंड का पेयर, डायमंड पेयर लगाए और अपनी पोस्टिंग स्टार्ट कर दी, इंशाल्लाह बहुत अच्छे यूसुफ भाई का ये एक्सपीरियंस बेहतरीन। मैंने व्हाइट पेयर के भी पोस्टर कराए हुए हैं, रेड पाइट के भी और सिल्वर पाइट के भी पोस्टर कराए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आपके पास कौन सा? अभी आप ये देख लेना, ये मेरा अपना पेयर है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ था कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना एग्जीबिशन हुआ था ना, उसके अंदर इस पेयर के कॉमन के अंदर इसने जो ना अवार्ड जीता था, माशाल्लाह जबरदस्त। ये आप प्रोग्रेस तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो अंडे में पोस्टिंग के लिए रखता हूँ कभी इसने नाउम्मीद नहीं किया मुझे, माशाल्लाह हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ना। अब आप इसकी आप क्वालिटी आप देखें, रेट का मेल है ये माशाल्लाह, मेरे पास अल्लाह के फजल से वॉश कर दिया, लेकिन इसने अपनी खूबसूरती के लिए जो इसने कुछ फेदर छोड़े तो बहुत जबरदस्त शानदार रिस्पॉन्स है आपके पास माशाल्लाह। तो इसने एक लेन करे, हाँ बेहतरीन, फीमेल भी आप देख लें, इसकी क्वालिटी आप चेक करें माशाल्लाह, फीमेल भी आप देख लें माशाल्लाह से जो ना अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी बर्ड है मेरे पास जो है ना एग्जीबिशन बर्ड है और ये चैंपियन बर्ड है माशाल्लाह से, क्वालिटी के एतबार से भी अच्छे हैं, रिजल्ट भी इनका अच्छा, प्रोग्रेस भी अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि इनकी सारी चीजें हम जो होती है ना मैनेजमेंट की ना सब पूरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शौक से करते हैं। मैं तो सबको ये दावत दूंगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पूछें और जो ना इस तरह जो ना तरतीब पे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चले यूसुफ भाई, इसके अलावा कौन सा प्यार है नीचे आपका? नीचे अल्हम्दुलिल्लाह ये डायमंड का ही लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका एक अपना बच्चा भी है, दो फोस्टर भी बच्चे का देखिए माशाल्लाह। तो यूसुफ भाई माशाल्लाह हमने देखा है आपके पास बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस आ रही है, अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए। तो अभी आप ऊपर हमें डायमंड के सेटअप पे लेके जा रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर मेरा सिल्वर व्हाइट टेल भी सेटअप लगा हुआ है, डायमंड टाइप का भी लगा हुआ है और प्योर सिल्वर का भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास तीन पेयर लगे हुए हैं ना, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको सेटअप पर विजिट कराऊंगा। तो यूसुफ भाई ये आपने हरियाली करी हुई है माशाल्लाह, तो इसका क्या राज है हमारे व्यूवर्स को बताते हुए चलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जो ना ये हरियाली का बहुत फायदा है, गर्मियों के एतबार से तो और ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी जो ना ऊपर होती है, इन गमलों को जो ना बाहर के नाम अंदर भी लेके जाते हैं केजों में, हाँ केजों में, और जो केज है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्श बना हुआ है ना उसको हमें अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों के अंदर वॉश भी करते हैं ना, धुलाई करते हैं, क्योंकि माहौल साफ सुथरा है, सफाई का मेरे पास बहुत एहतमाम होता है, हम सफाई करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें ना, ये मेरे पास फर्स्ट ब्रीड दी है, आप इसकी पेयर का वॉश देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत शानदार और शानदार है ये। जो असल में यूसुफ भाई जो लोग इस चीज को समझते हैं ना तो वो माशाल्लाह इसमें चिक भी आए हुए, हाँ ये पहली दफा ब्रीड किया है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं
माशाल्लाह एक चिक्स आया है। हाँ एक एक अंडा जो है ना इसका वो ज्यादा हो गया, मगर अभी अल्लाह ने चाहा तो एक दफा दे ना ये फर्स्ट क्लच है। हाँ फर्स्ट क्लच है, फर्स्ट क्लच में तो ऐसा होता है ये तो। और इससे नीचे, हाँ इससे नीचे भी आप देख रहे हैं ये ब्लेड लाइन, आप देख रहे हैं कितनी वाइट है, बहुत से शानदार ब्लेड लाइन है माशाल्लाह। और इनका चिक भी साथ, बच्चा जो है इनके साथ बैठा हुआ है ना, चिक आया हुआ इसमें भी, ये भी फर्स्ट क्लच है। हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना पूरी कराची के जितने भी बेहतरीन हमारे भाई ब्रीडर हजरात है ना उनसे मैंने ब्रीड खरीदी है। तो आपने किस तरह खरीदी है यूसुफ भाई, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं राज की बात। अब मैं बताऊंगा ना वो कहेंगे कि यूसुफ भाई ये क्या बात है, ये मैं उनको कहता हूँ आपकी ब्लेड लाइन है क्योंकि मैंने आपसे खरीदी है। जब मैंने आपका जो है ना फार्म विजिट किया तो आपने कहा कभी ये इतना एक्सपेंसिव बर्ड है मैं ये दे नहीं सकता, तो हमने बोला अच्छा बर्ड नहीं दे सकते इसके चिक्स तो हमें देंगे ना जी। तो मैंने इनके बर्ड्स के जो चिक्स हैं वो मैंने उनके मुंह मांगे दाम अदा किए और बुकिंगे कराई है और बैंक के जरिए से पैसे भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिए हैं। सही है तो यूसुफ भाई, ये हमारे व्यूवर्स को आपने राज की बात बताई है। हाँ, बर्ड्स लगाए हुए मेरा। तो इसके अलावा यूसुफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास जो है ना उस तरफ से आ जाए तो ये मैं आपको ब्लू व्हाइट टेल के ही मैं आपको जो है ना बर्ड्स बताता हूँ। ये एग्जीबिशन में जब मैं लेके गया ना तो एक भाई से मैंने बताया तो ये भाई आप ही के बर्ड हो तो खुश हो गया, बोला हमारी आपने जो है ना ये क्वालिटी जो है ना विन की है ना तो आप ये देख लें ना। ये मैंने छोटे छोटे बच्चे जो ना मैंने पाले हैं अपने हाथ से इनको जो है ना। अच्छा इसमें भी एक चिक्स आया। हाँ बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी ब्रीड आ रही है माशाल्लाह। लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि सर्दियों में भी डफ की आप केयर करें तो माशाल्लाह अच्छी ब्रीड आएगी इसकी। तो इसके अलावा यूसुफ भाई यहाँ ये ऊपर वाला भी आप देख रहे हैं बच्चे, इनके ये चार पांच जो है ना सिल्वर ब्लू व्हाइट टेल के जो अंडे है ना मैंने फोस्टर नीचे जो ना कॉमन के किए हूँ इसलिए कि ये बच्चे अच्छे सराइल हो जाएं, बड़े हो जाएं और बेहतरीन तरीके से ये वो कर लेना है ना। इसके अलावा ये अभी देखो ना ये फर्स्ट ब्रीड के लिए मेरा पेयर बैठा हुआ है, ये मेल बैठा हुआ है, फीमेल आप देखो कितनी वाश है इसने। शानदार बर्ड थे यूसुफ भाई माशाल्लाह, इनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। इसके अलावा यूसुफ हाँ नीचे भी आप देख लें ये भी माशाल्लाह, मेरे 100% हम बोलेंगे ना तो उससे वो भी कम नहीं होगा कोई ब्रीड की माशाल्लाह से देख रहा बेहतरीन ब्रीड। तो ये सब एक पे बैठे हुए अभी। हाँ तो इसके अलावा इसके अलावा ये ब्रीड लोगों के पास बिल्कुल नायाब है, नायाब आप समझते हैं ना, इसको बोलेंगे प्योर सिल्वर। सही आप इसकी क्वालिटी देखें, ये प्योर सिल्वर का पेयर है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है ना अंडे ले किए हुए प्योर सिल्वर है। और यूसुफ भाई इसके अलावा ऊपर भी देखें ये प्योर सिल्वर के अंदर ये बर्ड बैठा हुआ है और ये देखें आप कितनी वॉश क्वालिटी आप देखें माशाल्लाह, ये प्योर सिल्वर है। देखें यूसुफ भाई माशाल्लाह बर्ड्स आपके पास बहुत शानदार हैं और ये आप देख लें माशाल्लाह ये वर्किंग का बर्ड है माशाल्लाह से। और ये क्या वर्किंग करी है आपने? ये असल में ये मैंने दोस्त को लिया था, उसने मोहब्बत से दिया, वो मुझसे कहता है कि मुझे दे दो ना सिल्वर का, मगर अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारा वो जब चाहे ले ले उसी की चीज है ना। बाकी तो ये बच्चे बच्चा जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो क्वालिटी है ना ये ओपल ओपल के क्वालिटी के अंदर निकाले माशाल्लाह। और मैं आइंदा भी पेयरिंग करूंगा अल्लाह ने चाहा तो ओपल के इस बार निकाले। और नीचे ये पेयर आप देख लें, ये कॉमन है मगर ये प्योर सिल्वर के अंदर मेरा पेयर है। चार पेयर मेरे पास ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो प्योर सिल्वर के अंदर जो है ना कॉमन के पेयर लगे हुए हैं। इसकी बहुत अच्छी डिमांड होती है, इसके लोग वर्किंग करते हैं ना। अगर कोई व्यूअर्स मुझसे लेगा वर्किंग के लिए तो इसके पट्टे भी उसको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके अलावा यूसुफ भाई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये मेरे पास जो है ना ये डायमंड की जितनी वेरायटी आप लगी हुई आप देख रहे हैं ना, ये डायमंड की वेरायटी लगी हुई आपके पास सर, तो सिर्फ ये व्हाइट डायमंड है? हाँ ये तकरीबन 50 पीस मेरे पास डायमंड के लगे हुए हैं। हाँ यूसुफ भाई ये कौन सा पेयर? अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड टाइप के पेयर हैं और आप देख लें ये कितने बेहतरीन क्वालिटी के बात से जो है ना पेयर भी आप देख लें। और ये दो बच्चे इसने दिए हुए हैं और अंडे भी ले किए हुए हैं ना माशाल्लाह। तो बहुत शानदार प्रोग्रेस चल रही है आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है बर्ड का ना। इसके अलावा जो हाँ ये नीचे वाला आप देख रहे ये अंडों पे और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काफी पे मैंने बच्चे जो है ना वो अलग कर दिए हैं और दोबारा से जो ना अंडे ले कर दिए हैं इन्होंने ना। इससे तो नीचे वाला हाँ नीचे बस आप इस तरफ आ जाए ना, तो ये अभी मेरे पास चार पांच पेयर हैं जो अभी फर्स्ट ब्रीड पीस जो है ना स्टार्ट होने वाले हैं ना। तो बाकी आप ये देख लें पूरा सेटअप देख लें इसके अंदर
माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा सेटअप है व्यूवर्स यूसुफ भाई का। अगर हम इसको दिखाने के लिए अगर पूरा शूट करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि यूसुफ भाई ने बहुत अच्छी वर्किंग करी हुई है डफ के हवाले से। तो यूसुफ भाई, ये कौन सा पियर है आपका? ये डायमंड का लगा हुआ है, आप ये देखें, फीमेल देखें, और ये एक बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल वॉश हुई भी है फीमेल, एक चिक्स आया हुआ इसमें, माशाल्लाह अंडों पे, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी देखेंगे ना, चिक्स भी होंगे तो अंडों पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए होंगे ना। आप इधर भी जो ना आप देख लें, ये यूसुफ भाई आपका कौन सा पेयर है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पेयर मैंने लगाया हुआ है, बेहतरीन है, मगर ये अभी फर्स्ट टाइम इसने अंडे दिए ना, और पेयरिंग भी अभी मैंने नहीं इनकी की है। पहले इसका जो ना मेल जो था ना वो सिनेमन का मेल था, वो मैंने रेड पाइप के साथ लगा दिया है, तो अभी ये फीमेल को मैंने नया मेल मैंने दे दिया, एक लिंक कर, हाँ बिल्कुल। और ये मेरा बेहतरीन पेयर है, आप देख लें इनकी क्वालिटी, आप देख लें फीमेल, और इसके आप बच्चे आप देख लें यहाँ पे, ये देख लें, ये दो बच्चे हैं माशाल्लाह, दो चिक्स आए हैं, अंडे दिए हुए हैं, अभी एक अंडा दिया हुआ है, दोबारा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें अभी देगी तो उसमें बैठ जाएगी ना, है ना। और इस तरह मेरे जो ना सारे माशाल्लाह से पेयर हैं, आप देख लें माशाल्लाह, यूसुफ भाई का देखें व्यूअर्स, बहुत बड़ा सेटअप है, हम सिर्फ जो शूट कर पाए तो वो हमने आपको दिखाया। बाकी ये है कि आप यूसुफ भाई ने बहुत अच्छी वर्किंग करी हुई है। तो यूसुफ भाई और कौन सा आपके, तो यूसुफ भाई ये पेयर आप कौन सा लगाया हुआ है आपने? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पेयर है ना, बेहतरीन पेयर है, खूबसूरत पेयर है, इसको अल्बाइनो रेड आइज डब भी बोलेंगे, जेब्रा डब भी इसको बोलते हैं ना। सही। तो इसने मेरे पास जो ना बहुत अच्छा, ये है तो इम्पोर्टेड पेयर, और मेरे पास दो तीन ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह इसने दी हुई है ना। तो यूसुफ भाई इसके चिक्स आए में अभी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इस वक्त दो बच्चों पे ये बैठा हुआ है, और इसके दो बच्चे और भी मेरे पास नीचे जो ना आपको केज में मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो यूसुफ भाई ये वाला पेयर आपका? ये पेयर मेरा जो ना प्योर के कॉमन का पेयर है ना, और ये भी इंशाल्लाह दो चार दिन में अंडे इंशाल्लाह देगा इंशाल्लाह, फर्स्ट मैंने टाइम लगाया। और नीचे जो ना ये स्प्लिट का जो ना पेयर है, और इसमें डायमंड का मेल लगाया हुआ है, और आप रेड पाइप के आप फीमेल देखें कितनी माशाल्लाह, और चिक्स पे बैठे हैं, चिक्स हैं माशाल्लाह, दो बच्चे इसमें दिए हुए, आप देख सकते हैं। क्वालिटी वाइज आपने बहुत अच्छे बर्ड्स लगाए हैं यूसुफ भाई। तो यूसुफ भाई माशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी कवरेज आई हुई है, तो अब हमारे व्यूअर्स को बताएं आपके पास कोई चिक्स हैं जो सेल करने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना दो तीन क्वालिटियों के एतबार से है ना, और दो तीन से मराद ये है कि तीन चार महीने वाले भी हैं, तीन महीने वाले, और जो रोज आते हैं हम उसको महीने के एतबार से जमा करते रहते हैं ना, हम दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स प्राइस के साथ दिखाएंगे, बेहतरीन क्वालिटी के एतबार से दिखाएंगे आपको, और रेड पाइट के अंदर दिखाएंगे, ब्लू व्हाइट टेल के अंदर दिखाएंगे, और जेबरा डफ के एतबार से दिखाएंगे। जेबरा डफ के अंदर डीएनए हुआ हुआ भी है, आप ये ऊपर वाला आप देख लेना, तो इंशाल्लाह यहाँ से भी आपको इसको जो ना उधर रोशनी अगर आती है तो ये आप देख लें। ये मैं दो केजों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये ना ये बर्ड है, ये जेबरा का पेड़ है, इसका मैंने डीएनए कराया हुआ है, है ना? ये कितने का पेयर है? ये 30,000 का पेयर आपको मिलेगा इंशाल्लाह, मेल फीमेल कंफर्म है, और ये इंशाल्लाह दो महीने के बाद ब्रीड पे भी आ जाएगा, है ना। सही। और बाकी ये डायमंड टाइप के हैं, और ये तीन महीने से ऊपर के हैं ना, साढ़े तीन महीने चार महीने के, आप वॉश भी इनका आप देख लें माशाल्लाह हुए में वॉश। तो इनके क्या प्राइस है? इनके पहले तो मैं थोड़ा ज्यादा रखा था, 16,000 मार्केट में उस दिन थे, तो आपके तवज्जो से इंशाल्लाह मैं 15,000 पेयर के हिसाब से भी दे दूंगा। ये एक महीने के बाद ये तैयार है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, आप देख लें। ये मेरे जो है ना कम से कम नहीं भी नहीं तो दोनों केजों में 12-12-24 जो है ना ये चिक्स हैं जो माशाल्लाह से बेहतरीन क्वालिटी के एतबार से हैं, और उनके अपने अलग रेट हैं। इसमें व्हाइट टेल वाले भी हैं, आप ये आप देख लें, ये व्हाइट टेल के आपने अभी पेयर देखे ना, उनके चिक्स देखें कितने वॉश हुए हैं, और ये ब्लू व्हाइट टेल शानदार क्वालिटी है, वॉश कितना अच्छा हुआ हुआ। ये 15,000 पेयर के हिसाब से मिलेगा, और ब्लू व्हाइट टेल का जो आपको मिलेगा ना
वो अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 का पीस मिलेगा, 30,000 का पेयर मिलेगा ना। तो यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स जो है न्यू फैंसियर के हवाले से हम काम कर रहे हैं, और ये जो नीचे वाले चिक्स हैं भाई, नीचे वाले आप अगर न्यू फैंसियर माशाल्लाह से अगर वो ले ना, तो मैं बोलता हूँ कि ये चिक्स लें। हमने भी ये इतने ही लेके जो ना शुरू किए थे, अब मैंने 11,000 का पेयर, 5,500 का पीस है। मैं अगर वो लेगा मुझसे, मैं 500 और कम कर दूंगा, 5,000 के हिसाब से भी पीस दे दूंगा। आप इनका भी देखें ना मोल्ड, ये मोल्ड शुरू कर दिया है ना, वो हमें नजर आ रहा है। हमारे व्यूअर्स समझते हैं ये बात, कुछ व्यूअर्स जो नए हैं, और ये जो नीचे चिक्स हैं, नीचे अभी ये नए नए जमा हो रहे हैं, तो ये इसको अभी नहीं बेचेंगे जब तक इनके अपने जो है ना फिगर्स वाजे हो जाएंगे, चिक्स आ जाएंगे, यानी मोल्ड करना शुरू हो जाएंगे ना, एक डेढ़ महीने के बाद में बेचना शुरू करता हूँ। क्योंकि अच्छी हम जो न कोई मुसलमान किसी को धोखा दे, न कोई ऐसी बात हो, हमसे लेके जाए मोल्ड हुआ लेके जाए अल्हम्दुलिल्लाह। पर तो ये कॉलोनी लगाई हुई आपने पिंटों की? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना पेंगुइन लगी हुई है, कॉमन लगी हुई है, स्नो व्हाइट लगी हुई है, ये सारी मिक्स है, और हाफ ऑरेंज पे भी लगे हुए इसके अंदर माशाल्लाह, आप देख लें ना। और ये जो भाई लेगा इंशाल्लाह, मैं इसके अंदर जो है ना डफ के चिक्स डालना चाह रहा हूँ। जो भाई लेगा मैं पूरी कॉलोनी भी दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 1,000 रुपए के हिसाब से जो जोड़ा दूंगा, पेंगुइन का, स्नो व्हाइट का, और मिक्स में जो भी लेना चाहे इंशाल्लाह ताला। तो यूसुफ भाई माशाल्लाह फिंचों का भी आपका सेटअप बहुत जबरदस्त है, और इसमें चिक्स नजर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है फिंचों में भी माशाल्लाह। आप बड़ी मेहनत करते हैं बर्ड्स के साथ। तो व्यूवर्स, हम लेके आए थे आपको यूसुफ भाई के सेटअप पे विजिट कराया, और इनसे थोड़ी सी और नॉलेज आप तक पहुंचाते हैं। तो यूसुफ भाई, आप ये जो आपने ट्रो में माशाल्लाह लगाया हुआ है, सब में मैंने देखा है कि प्लाइयां लगाई हैं, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं वीडियो में, तो इस प्लाई का क्या राज है जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह मौसम के एतबार से सर्दी के अंदर जो बच्चा जब ऊपर छन्नी से आता है ना जी, तो वो ट्रे के ऊपर आता है। अब वो ट्रे ठंडी होती है और पाँव से ज्यादा सर्दी जो ना होती है ना, तो ये मैंने कोशिश की कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। गत्ता वगैरह लगाते हैं तो वो गीला हो जाता है, तो मैं स्पेशली हाजी के अंदर ये पीस लेके आया ना, तो सब में मैंने बिछा दी है। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस रहा व्यूवर्स, हम आई यूसुफ भाई के पास, तो आप लोगों तक हमने जो भी माशाल्लाह हमारे यूसुफ भाई के पास नॉलेज थी वो आप लोगों तक हमने शेयर करी है, और यूसुफ भाई का एक्सपीरियंस, और यूसुफ भाई ने जो ट्रे के अंदर प्लाई लगाई है, ये वाकई में बहुत जबरदस्त व्यूवर्स काम है। कि अगर किसी व्यूवर्स के पास बर्ड्स लगे हुए हैं और छोटे चिक्स आते हैं डफों में, तो आप उसके नीचे प्लाई लगा दें लकड़ी की, तो बहुत शानदार एक एक्सपीरियंस यूसुफ भाई का आप लोगों से शेयर कर रहे हैं हम। तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये यूसुफ भाई के साथ तकरीबन कामों में हाथ बटाते हैं। यूसुफ भाई बताएं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं माशाल्लाह से, जो ना इस काम में मेरे साथ होते हैं ना, एक पानी जो ना सुबह सुबह भी, ये भी आपको बता दूं कि बर्ड के अंदर हम शाम को असल टाइम पानी निकाल देते हैं, ठीक है, फिर सुबह ताजा मेरा बेटा जो ना कावा देना हो, ताजा पानी दिया देना हो, तो हाफ बॉइल यानी नीम गर्म पानी जो ना वो देते हैं ना, तो ये और ये सॉफ्ट फूड हो गया, ये ट्रे का हो गया, और दाने के अंदर जो ना जो हम गर्म चीजें मिक्स करते हैं, ये सारी चीजें मिला के जो ना, और बर्ड को सेव करना, तो सारी चीजें मिला के अल्हम्दुलिल्लाह जो ना। तो माशाल्लाह व्यूवर्स, हमने देखा है कि माशाल्लाह यूसुफ भाई ने 2 हीटर लगाए हुए स्टेम पे इधर, और टेम्परेचर पसीने आ रहे हैं हम लोगों को, इन्होंने इतना टेम्परेचर डफ को दिया हुआ, तो डफ बड़ी खुश है यहाँ पे, और डब बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है यूसुफ भाई को। ये हम इसलिए आपको ये सब बातें बताते हैं ताकि हमारे जो न्यू फैंसियर हैं, अगर वो किसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस मिले, ताकि उन्हें सीखने को मिले, ऐसा ना हो वो बर्ड्स लगाएं और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं हो। अब हम जो चीजें हमें अच्छी यूसुफ भाई की लगी है, तो हम भी अपने गेज में जाके इंशाल्लाह ये काम करेंगे। तो यूसुफ भाई बहुत अच्छा रहा आपसे विजिट, तो हमारे व्यूवर्स को अपने लोकेशन और मोबाइल नंबर शेयर करेंगे आखिर में। अल्हम्दुलिल्लाह जो ना कराची के एतबार से क्लिफ्टन का इलाका है मेरा, क्लिफ्टन गिजरी, और मेरा जो ना लोकेशन तो ये हुई, और जो कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है, 0333 3799262, 0333 3799262, ठीक है इंशाल्लाह। जो भी भाई मेरे व्हाट्सएप पे भी नंबर पे और कॉल पे भी, जी हाँ व्हाट्सएप पे भी या कॉल पे भी इंशाल्लाह। व्यूअर्स, हम आए थे यूसुफ भाई के पास, तो आप लोगों को हमने दिखाया यूसुफ भाई ने कौन कौन से बर्ड्स लगाए थे,
तो यूसुफ भाई बहुत अच्छे सीनियरों में से सीनियर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको तरह तरह की वीडियो जो है और एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करें लोगों का। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।